और इतना मालूम अगर उस दिन फेरज भैया फोन नहीं करते थे कमिश्नर को रोकते थे नहीं तो कुछ भी होता था। लेकिन अपने पहचानक के तो कोई नहीं थे उसमें, कौन थे पता नहीं। पर उन्होंने बेचारों ने फोन ना करे फेरज भैया ने कहा अपनी बस्ती इधर जाओ ना फोन। और 11 बजे से चढ़ रहा था, सुबह 6 बजे तक चढ़ रहा था, 8:30 तक राजी रहा उन्होंने फेरज भैया ने कुछ हमारे लोगों ने तुमको सपोर्ट ही करे ना फोन आप लोग नहीं सपोर्ट ही करे पर हमारा जानने वाला क्या हो रहा है। इतना बचाने के बाद भी फेरोज भाई का नाम आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि बचाने वालों कुछ ऐसा हो रहा है। हमें आपको ये करना है, फेरोज को अरेस्ट करो। हमने हमारे वार्ड में जो भी थे हमारे माँ बहना हिंदू जो भी थे हमने उनको सिक्योरिटी करे हो। उन्होंने मेरे माँ बहनों का घर है, तुम बिल्कुल नीचे में करो। ये बच्चे तुम्हारे सामने छोटे के बड़े हो गए और आज तो हमारे सामने बच्चे तेज नहीं, यहाँ के बच्चे तेज नहीं। अपने महल के कोई नहीं विचार है, अपने महल के कोई भी नहीं। और जो ऊपर के करे कंट्रोल करे फिर अरेस्ट करो करके तो ये पूछना है फिर तक हो गया नहीं हुई और आगे भी नहीं होंगे। हमको उन पर भरोसा है, अरे भरोसे बिंदास हो जाते हैं। इधर जाओ आप लोगों की जरूरत पड़ी तो डिपार्टमेंट को बताइए। मैंने बताया कानों से सुने, भैया ने फोन करे कमिश्नर को भी करे और वो लड़के जो उतरने वाले थे तो उनको बोले कि यहाँ माँ बहना हमारी बिल्कुल टेकड़े पे बाहर के थे यहाँ के कोई भी नहीं थे। यहाँ के बच्चे हमको बोल रहे थे तुम खिड़की दराज लगा के बैठो भाभी तुम टेंशन ना लो। हमारा कैसा हमारे गणपति का भी हिंदू मुस्लिम एकता का है और हम सब एक साथ अपने लोगों के साथ जाते तुम हमारे पास आते हमारा तभी चालू करना तो तुम्हारा सबसे पहले पुलिस से पहले सिक्योरिटी अपने मंदिर पे हमारे छोकरों उधर के मंदिर को हटने लगा दिए हमारे छोकरों की सिक्योरिटी को अपने कोई चीज को अपने हाथ में लगा और आगे भी नहीं होगा। भरोसा है भरोसा है ना भैया पे भी तुम पे भी अब तुम्हारे स्वास्थ्य हम रहते ना यहाँ अभी आ रहे भैया चले गए। मैं 26 साल से शाहबाजार में अकेली थी, अभी मैं 4 महीने से वो भैया तुमको बोलते थे कैसा रहते हो उन्होंने तो तुम्हारे लोगों भरोसे पर थे हम वहाँ पर एक दूसरे के साथ में भाई बहन भी ऐसा रहते ना वो दूसरे थे वो लड़के हमको कुछ करना है उसको अरेस्ट करने का बोल रहे पुलिस वाले भैया के पप्पा भी थे हमारे वहाँ रात में डेढ़ दो भैया भी बैठे थे हमारे साथ में हमारे हमारे पप्पा बैठे थे हमारे पब्लिशन लेके दोनों पुलिस पुलिस वाले लोगों को